to derive Newton's law of gravitation from Kepler's law. देखो उल्टा काम हो गया. इससे पहले हमने क्या प्रूव किया था? हमने Kepler's law प्रूव किया था by using Newton's law of gravitation. ये gravitation law यूज किया और ये Kepler's law आ गया. एक तरीके से उल्टा काम कर रहे हैं. Kepler's law लिखेंगे और उल्टा हमें यहां तक पहुंचना है. पर चलो, करने का तरीका ऐसा नहीं है, ऐसा है. तो हमने क्या करना है इसमें? न्यूटन का लॉ GMM by R square को प्रूव करना है Kepler के लॉ को यूज करके. तो हम मानते हैं कि कोई अर्थ जो है या प्लैनेट है वो सन के आसपास घूम रही है. तो इसमें जो फोर्स रिक्वायर्ड है घूमने की वो सेंट्रीपिटल है. तो प्लैनेट को सेंट्रीपिटल क्या मिलेगी? mv² / r. पहला स्टेप क्लियर है. तो mv² / r. अब मुझे पता है ये फोर्स ग्रेविटेशन की ही है, पर मैं ये बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे को तो ये प्रूव करना है. तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी क्या है एक इसकी प्लैनेट की, डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड टी. तो एक जो डिस्टेंस है एक चक्कर पूरा करता है 2πr और टाइम पीरियड क्या है टी. तो यहाँ पर v की जगह पुट कर लेंगे 2πr/t का स्क्वायर. स्क्वायर करेंगे तो 4πr² / t². तो ये टर्म आ गई आपके पास. अब r से r भी कैंसिल हो गया. अब Kepler का थर्ड लॉ क्या कहता है? t² proportional to r³ या t² some constant into r³. t² की जगह ये वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा? kr³. r से r³ कैंसिल तो क्या बनेगा? r². तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई. अब ये जो फोर्स की वैल्यू है इसमें मास ऑफ अर्थ आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ आ गया, सन का मास भी चाहिए क्योंकि कौन खींच रहा है? सन खींच रहा है. तो ऑब्वियसली ये जो कांस्टेंट है जिसमें के छुपा हुआ है, इस के की जो वैल्यू या ये कांस्टेंट है 4π² / k, ये कहीं ना कहीं मास ऑफ सन के ऊपर डिपेंडेंट है. अंदर दिख नहीं रहा लेकिन कहीं ना कहीं मास ऑफ सन आना चाहिए. तो मास ऑफ सन है m और एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल जी. तो इस कांस्टेंट की जगह कैपिटल जी एम लगा दें तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया GMM / r².